तीनों बंदा बनाया मौला दर दर उत्ते सजदे वाला पाना रोलाए दर उत्ते सजदे वाला पाना रोलाए कौन टाल दए डिगदा डिगदा संभले कौन संभाल दाए उसनो राजी कर ले कादा बुलाए बंदे तीनों बंदा बनाया मौलाए बंदे तीनों बंदा बनाया मौलाए ऐ मज्जा गावा ते कई मखलूका तेरे लिए बस तेरा झुकना रोना डरना मेरे लिए मेरी जात पहचान के बनना बोलाए बंदे तीनों बंदा बनाया हजरात अज अदीम शान फकीदुल मिसाल सालाना तबलीगी व इस्लाही प्रोग्राम करवाने वाले सुनने वाले सुनाने वाले अल्लाह सब की हाजरी अपनी बारगाह अंदर कबूलो मंजूर फरमाए माशाल्लाह तुसी देख रहे हो तुहाडे पसरूह कारी सैफुर रहमान मोहम्मदी साहब मौलाना मतीउर रहमान साहब दीगर उलमा अल्लाह करीम सब की हाजरी अपनी बारगाह अंदर कबूलो मंजूर फरमाए और दुआ फरमाओ अल्लाह जिवें इत्थे बैठे हैं कल क्यामत वाले दिन जन्नत अंदर भी इकट्ठे फरमाए हजरात मैं थोड़े जे वक्त अंदर एक बात तुहाडे नाल करनी है कि अहले भी लोगों का शिकवा है कि अहले हदीस अइमा दीन नूं नहीं मानते ये जिहड़े इमाम ने इन्हां नूं नहीं मानते हजरात खुदा की कसम है अइमा दीन का एहतराम करने अइमा दीन नूं जिवें मन्नण का हक है असीं ओवें मन्नणे आ पर साडा फर्क पता की है असीं आने जिहड़ा रुतबा खुदा का है वह नबी का हो सकता नहीं जिहड़ा रुतबा नबिया का है वह सहाबा का हो सकता नहीं तो जिहड़ा रुतबा सहाबा हो सकता नहीं जेड़ा रुतबा ताबईन दा वे ओ दूसरे अम्मे दीन दा हो सकता नहीं हो सकता आइए ए जेड़े इमाम लई फिरदे ने बारह इमाम जे बारह हजरात बाला के बारह नहीं साढ़े ते सारे इमाम ने अबू बकर भी साढ़े इमाम ने उच्ची बोलो हजरत अबू बकर भी साढ़े इमाम ने वह हाली साढ़े नहीं अहले बैत भी इमाम ने हजरत उमर भी साढ़े जेड़ा जेड़ा मानदा बोलो हजरत उमर भी साढ़े इमाम ने हजरत उस्मान भी साढ़े इमाम ने हजरत अली भी साढ़े इमाम ने हजरत अमीरे मुआविया भी साढ़े इमाम ने हजरत हसन साढ़े इमाम ने हजरत हुसैन साढ़े इमाम ने और ये सारे नबी अलैहिस्सलाम दे अहले बैत आप दे साहब साड़ी अखां दी जनाब ठंडक और साढ़े मत्थे दा जो उमर ने और साढ़े दिल दा चैन और करार ने और इन्हां दी अजमत इन्हां दा शान इन्हां दा मुकाम करिया करिया कूचा कूचा ही बयान करते रहने और इंशाल्लाह करते रहेंगे अज ये इमाम दीन दे विचों एक इमाम का तस्करा मैं तुहाडे सामने करना चाहना हजरत हुसैन कह दो रज़ी अल्लाह बेटे ने जिन्हां नाम मशहूर है इमाम जैनुल आबिदीन मशहूर की है नाम इमाम जैनुल आबिदीन हजरात उन्हां दा तज़किरा तुहाडे सामने करना चाहना उन्हां दी सीरत उन्हां दी जिंदगी दे हवाले दे नाल शायद तुसीं अगे गल्लां ना सुनियां होण लेकिन लोगों ने सीरत पढ़ के वेखो ये अबू बकर उमर उस्मान नाल प्यार करन वाले नजर आउणगे ए सारे दे सारे साबा और अहले बैत और सारे इमाम दीन जितने भी इमाम दे दीन दे सारे दे सारे जनाब कुरान अमल करने वाले होंगे इन्हां नूं अल्लाह पाक ने चुन लिया कुरान की ऐलान कर रहे हैं लोग कुरान सुनो और अपने दिलों को कुरान दे नूर दे नाल मुनव्वर करके ले जाओ अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आम अज मैं कुरान तुहानू ज्यादा पढ़ के सुनाना तुसा मोहब्बत दा इजहार करी जाना है तुसा कुरान सुन के जरा झूम जाना है खुदा दी कसम है कुरान जरा मुफ्त नाल पढ़िए समय बखरा है कुरान जेड़ा वे झूम के जनाब पढ़िए ते मजा ही बखरा है अल्लाह फरमांदे ने इन
ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریت بعضها من بعض واللہ سمیع اللہ فرماندے نے بے شک اللہ نے چن لیا ہے حضرت آدم نو حضرت نوح نو اللہ نے چن لیا ہے آل ابراہیم نو آل عمران نو جگ والیاں دے اوپر رینا حضرت علی المرتضیٰ دے پوتے نے تے امام زین العابدین انہاں دا اصل نام جڑا زین العابدین نہیں انہاں دا اصل نام جڑا علی بن حسین ہے زین العابدین انہاں دا لقب ہے اے امام زین العابدین رب دی عبادت نہیں کریا کر دے اے رب اللہ نال انہاں دا تعلق اللہ نال یاری انہاں دی نفلی نمازا تے ذکر روزگار اندر مصروف رہا کر دیں صدقو صدقہ خیرات اندر مصروف رہا کر دیں کہ لوگاں نے حضرت علی بن حسین دی عبادت ہوئے کہ کہنا شروع کر دیتا ایتے زین العابدین والیاں دے متھے دا جھومر عبادت کرن والیاں دے جناب چہرے دی رونق عبادت کرن والیاں دے دل دا سکون میرا امام صدقے قربان جاوا اے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لختے جگر نے جدو واقعے کربلا ہویا نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگو واقعے کربلا اندر جان دیو نا میرے حضرت امام حسین دے خاندان دے جننے بھی افراد نے مرد حضرات سارے دے سارے کربلا دی سرزمین اندر شہید ہو گئے نے سوائے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تو لوگو حضرت امام حسین نے سانو سبق دیتا ہے درس دیتا ہے لوگو حق بات جتھے آجے کٹ جانا ہے اوتھے جناب کٹنا منظور ہے لیکن جھکنا منظور نہیں ہے لوگو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لفظ جگر حضرت امام زین العابدین دی اس وقت عمر جڑی ہے 20 سال ہے بعد روایت اندر ہور بھی عمر ہے لیکن گل پر 20 سال ہے تے اے جناب بیمار نے کربلا والے دن جدو اے واقعہ پیش آیا انہیں بیمار نے امام زابی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ اتنے زیادہ امام علی زین العابدین بیمار سن کہ انہاں کول اٹھ کے کھڑا بھی نہیں سی ہویا جاندا لیکن اس دے باوجود اپنے بابا سیدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے گے بابا جتھے میرے دوسرے پرا لڑائی اندر جا کے لڑ دینے میں بھی جا کے لڑنا چھنا وا بابا میں بھی لڑائی اندر شریک ہونا چھنا وا تسی سارے لڑو تے میں پیچھے رہا میرے جناب اے میرا دل اسی دے گوا بات تسلیم نہیں کردا تے حضرت امام حسین جو کے باپ سن حکم دیتا بیٹا میرا حکم ہے تو خیمے تو باہر نہیں ہونا لوگو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لختے جگر نے دے کون حضرت حسین نے جدے اے لختے جگر نے جنہ دے بارے آمینہ دے لال نے فرمایا سی حسین و منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں او حسین جدے بارے آمینہ دے لال نے فرمایا ہے حسن حسن تے حسین دنیا اندر میرے دو پھولنے دنیا اندر میرے دو بھولنے ہائے اللہ میں قربان جاوا میں تے اکثر کیا کرنا لوگ یوگو ایک جناب چمبیلی دا بھولے ایک گلاب دا بھولے ایک جناب موتی دا بھولے انہ سارے پھولاں دیاں خوشبو اپنی جگہ دے پر حسن پھول دی خوشبو دا مقابلہ کر سکدے حسن حسین پھول دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدے ساری کائنات دے پھول تے عطر تے خوشبو اکٹھیاں کر لیاں جان حضرت حسن تے حسین پھول دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدے اوے پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں اوے کئی کلر تے کئی ڈیزائن ہوندے انہاں دی رنگت تک تک کے بھئی دنیا ہوندی ہرا حیران پر دو پھول جگ وچ انج دے وی نے جو
जो तू ही नबी दे दिल दा चैन एक फूल दा नाम हसन यारो तुझे फूल दा नाम हुसैन एक फूल दा नाम हसन दूसरे दा नाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नु लोगो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इधर मेरे वाले वेख्या जे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जदों ए वाकया पेश आया वे ओ जनाब इन्हां दी उम्र 20 साल टोटल इन्हां दी उम्र जेड़ी 57 साल वाकया करबला तो बाद 37 साल मेरा इमाम जिंदा रहा वे ओ लोगो जिन्ना दुख एक पुत्र नु अपने बाप दी वफात बल्कि बाप की पूरा खानदान ही करबला की सरजमीन अंदर शहीद होया सी उस दिन तो बाद मेरे इमाम की जिंदगी अंदर सिंधी दफा 10 मुहर्रम का दिन आया है लेकिन मेरे इमाम ने के जनाब 10 मुहर्रम वाले दिन ना मातम कीता ना जनाब रोला पाया ना वैर पाया ना कि कोड़ा कढ़िया ते ना किस तरह का काम कीता बोलो कीता बोलो मेरे इमाम ने कीता नहीं कीता अल्लाह जानदे नहीं कीता ते सानू तुहानू पैगाम दिता है हला उन्हां दे बाप सन उन्हां दे भाई शहीद होए ज्यादा दर्द ते उन्हां सू ज्यादा तकलीफ ते उन्हां नू उन्हां दस्सिया सबर करके लोगो असी सबर करन वाले खानदान दे विचों ते सानू मनन वाले भी सबर वाले होणगे बेसबरियां दा साडे नाल कोई तलक नहीं क्यों ना सबर करन वाले होंदे ओ कुरान पढ़न वाले कुरान की ऐलान कर रहा है अल्लाह फरमांदे नैया अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सबरी वस्सलाम अल्लाह को मदद मंगते सन सबर करके कुरान किधरे ऐलान कर आए वल्लाहुम्मा साबिरी हजरत हुसैन दे सारी आल ही सबर करन वाली है हजरत हुसैन दा खानदान ही सारा सबर करन वाला हजरत पहली गल वाले हो गई हके हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन 37 साल वाके करबला तो बाद जिंदा रहे 37 वारा 10 मुहर्रम दा दिन आया ते कोई घोड़ा छोड़ा कढ़िया जे किधरे गल करनी पई ते करोगे ना बोलदे नहीं ठोक के करनी है के इमाम ज़ैनुल आबिदीन 37 साल जिंदा रहे वाके करबला तो बाद ना घोड़ा कढ़िया ना मातम कीता ना वैन पाया ना उस दिन नु कोई उस तरह का काम कीता कोई अनोखा काम कीता आम दिनों की तरह दिन गुजारे हजरात सानू बोलू पैगाम है ये खानदान उच्चा है ते उच्चा सबर करके होया ते इन्हनु मनन वाले भी सबर करने वाले हो ते जेड़ा इन्हनु मनेगा रब उन्हें भी उच्चा कर देगा और रब उन्हें भी उच्चा कर देगा क्योंकि कुरान ऐलान कर रहा है अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमी हजरत हुसैन नू अपने बाप नाल इन्ना प्यार से अपने बेटे का नाम जेड़ा वे अपने बाप दे नाम तो रखिया है और हजरत हुसैन ने अपने एक बेटे का नाम अबू बकर रखिया है एक बेटे का नाम उमर रखिया है और जिन्होंने अली अकबर अली असगर कहा जाता है पढ़ो उन्होंने नाम की ने क्यों कारी साहब उन्होंने नाम अबू बकर उमर आई अगली बात सुनो इन्हों ना बीमारे करबला भी कहा जाता है इन्होंने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बड़े बड़े भी वेखे हो बड़े इश्तहार है लिखे बीमारे करबला का मातम हजरत बीमारे करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मौके से जान के बीमार हुए सर
यार एक बंदा एक बीमार जो हो गया किसे शायद वो पीछे रह गया तो उन्हें मरसूब भी कर देना उसके बाद उन्हें वो चीज तू नाम लेके पुकारना कि तू बीमार वो अच्छा समझेगा। इतने जो कोई बंदा किसी मौके तो पिछे रहिए किसे जनाब मामले तो पिछे रहिए तो बंदा बार बार ताना ही देता रहे तू दे पिछे रह गया तू तो पिछा रह गया तू बीमार सै तू इंज सै वो अच्छा समझदा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार कर बुला कहना कोई छी गल नहीं नहीं असी नहीं कहते। आइए हजरत अगली गल करिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमत आखो रहमतुल्लाह 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 पढ़ते जाओ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह उन्हें मैं जिंदगी दियां गल्लां करनियां चाहना। हजरत इमाम साहब अल्लाह पाक दे जनाब वली ने अल्लाह पाक दे बड़े प्यारे अल्लाह पाक नाल बड़ी मोहब्बत करने वाले अल्लाह पाक दे पसंदीदा बंदे ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह इन्हां दी जिहड़ी हर रात मामूल सी ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह रात दे आखिरी पैर उठ जाया कर दे वेख्या जे मेरे इमाम दी रातां किवें दियां सन मेरे इमाम दी रातां दा मामूल की सी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अद्धी रात उठ जाया कर दे उठ के जनाब सब तो पहला मिसवाक करया कर दे अच्छी तरह मिसवाक करके फिर जनाब अच्छी तरह वुजू बना दे सोहनी तरह जनाब वुजू किया ते वुजू करके जिहड़ी सब नालों महंगी ते सोहनी अत्तर खुशबू होंदी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने कपड़िया लाया कर दे खुशबू ला के वुज़ू बना के बिसवा करके ते मेरा इमाम मुसल्ले ते आ जांदा फिर रब नाल काल मिल जांदी है फिर रब नाल गल्लां शुरू हो जांदियां फिर मेरा इमाम जै तहज्जुद पढ़न लग पैंदा लोगो मेरा इमाम तहज्जुद गुजार है मेरा इमाम जड़ा नफली नमाज पढ़न वाला अज अल्लाह जानदा है साडे ते फर्जी पढ़नियां भी बड़ी जी इमाम दा नाम लैणा सौ इमाम की सीरत बयान करनी बड़ी औखी है इमाम की सीरत अमल करना बड़ा औखा है। आओ अज इमाम की असली जिंदगी के बारे तुहानू दसना चाहना वा मेरा इमाम कैसा ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ते दिखा मौला हुण वे लियो सजे खबे किदा किदा दिल करदा ओ कोई ऐसा करम अल्लाह की कसम मस्जिद बैठा मैं जो पहली बार उमरे के गया ना उदो भी मैं दुआ पढ़ता रहा हाँ फिर दूसरी बार गया मैं फिर ही दुआ पढ़ता रहा हाँ हूँ तीसरी अल्लाह की जल्दी शादी करवाए तो दुआ मियां बीवी ने अपने घर बुलाए तवज्जो मेरे वाले और कोई ऐसा करम कमा मौला सानू मक्का मदीना दिखा मौला ते वीजे लैके खलील दे डेरे दे लोकी जांदे ने चार चुफेरे दे और नहीं ओ फिकर धुप हनेरे दे साडी जल्द फ्लैट उड़ा मौला ओ कोई ऐसा करम कमा मौला सानू मक्का मदीना दिखा मौला। अगली गल सुनिया जे बैतुल्लाह दा तवाफ करा मैं भज भज के नाले हजरे असवद चुमा रज रज के बड़ा एक ते लख बना मौला ओ कोई ऐसा करम कमा मौला सानू मक्का मदीना दिखा मौला ओ पेप्सी ते कोले किस काम दे मंगा टूटिया कूलर जमजम दे कारी शबाद बोलो साहब इतनी अल्लाह जाने तुम्हारे घर कोई परौना है कि मेहमान है की पियांदे ब्यू पेप्सी कोक सब रहा है ये पियांदे ने लस्सी पियाओगे या फिर जब चाह पियाओगे तो सदके कुर्बान जावा कि तुम्हारे मेरे घर कोई परौना है सिंगे पियाने पर जो बंदा रब दे कर परौना बन के जाए रब जम जम पियांदा है ते दुआ करो अल्लाह उठे जाके पीना उमरा करके आए ना उन्होंने मिली छोटिया कपी
ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਲਬ ਦੇ ਥੋੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੀਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਦਰ ਸਵਾਦ ਸਵਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਤਸਵਰਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ पेप्सी ते बोले किस कम दे मंगा टूटिया कूलर समझम दे साढ़े बगते अथरो थम दे हरम पौड़िया फिर चढ़ा मोला खर्चा होता सी जेड़ा भी जनाब नाल समान लैके आउंदे सन सारे दा सारा रस्ते अंदर खर्च करते वे सारे दा सारा रस्ते अंदर गरीबां अंदर वंड देंदे सारे दा सारा अल्लाह दी राह अंदर तकसीम कर देंदे ते नाल दे लोग पुछदे अगर जी सफर बड़ा लंबा है जे मक्का बड़ी दूर है तुसी ते सारा कुछ वंड बैठे हो सफर किवें करोगे ते सुन मेरे इमाम दा कितना मजबूत अकीदा है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमान लगे है ओ सवाल करन वाले आ गल सुन जी दी राह विच निकलया वा जाने ते उदा कम जाने और जिदे कर जा रहे हम मेनू भुखा ते नहीं ना टूरेगा हालात एडा मजबूत कीता मेरे इमाम दा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह मैं इन्हां दे बारे पढ़िया है इन्हां दे दर ते इन्हां दे घर दे अंदर जनाब इन्हां दे बूहे ते जदों कोई सवाली आउंदा जदों कोई फकीर आउंदा ते मेरा इमाम खुशी नाल झूम जाया करदा मेरा इमाम खुश हो जाया करदा ते कदी कदी ना मेरा इमाम उस मंगण वाले दे हाथ भी चुम लैंदा सी हाय हाय ओ मंगण वाले फकीर दे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथ चुम लेंगे नाले उदी खिदमत करदे नाले शुक्रिया अदा करदे ओ जेड़ा ना फकीर ओ बड़ा हैरान हुंदा कहंदा लोगां दे दरवाजे ते जाना वा देंदे भी कुछ नहीं ते गल्लां भी बड़ियां करदे ने ते जदों इमाम दे दरवाजे ते आउणा वा दींदा भी सारिआं नाल उच्चोखा है ते शुक्रिया भी मेरा अदा करदा है हजरत इमाम सामने फकीर का शुक्रिया अदा कर दे भाई तेरी मेहरबानी ते उस फकीर ने एक दिन फकीर ने पूछा हजरत जी गल की है कह लगे भाई तेरी मेहरबानी तेरा शुक्रिया तू आया है मेरा दुनिया वेख्या जे मेरे इमाम की सोच की है मेरे इमाम की फिक्र की है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा लगे भाई तू आया है मेरा दुनिया का माल आखरत वाल मुंतकिल करने वास्ते देना मैं तेनू दुनिया ते वे रब ने मेनू देना वापस क्यामत नू वे मेनू मैं दुनिया च दे जेना ते रब ने कल क्यामत नू नेकियां दी सूरत मेनू वापस कर दे तेरी मेहरबानी तू आया भाई जान वेखो मेरे इमाम दी सोच और फिकर तुहाडे दरवाजे ते कोई सवाली आए फकीर आए नाम बोलिया कर दे दिया कर दस दे दिया कर पांच दे दिया कर जिन्ने होन दे दिया कर खाली ना टोरिया कर हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावां लोगो ए जेड़ा ए पहचान है असली ते नस्ली सैयद दी मेरा इमाम असली ते नस्ली सैयद है असली ते नस्ली सैयद है हजार ने जिम्मे फट तर के बने ने चार पैसे आए ते जात ही बदल ली अपनी जात ही बदली सुनो अपनी जात बदलना अपना प्यो बदलने मुतरादफ है जेड़ा बंदा अपनी जात बदल ला वो एक जगह बैठे ना बड़ा साहब वो रिश्ते रिश्ता करने वास्ते बैठे उन्हें कहा तुम कौन होंगे उन्हें कहा जी अही सैयद होने शाह होने उन्हें कहा तुम क्यों नहीं होने अं भी शाह होने सैयद होने एक बंदा भी चुका उन्हें कि गल पता की है गल वैसे सीधी करनी चाहिए अभी पांच कु साल हो शाह शाह बने हैं सैयद बने हैं पहला ही बस एवं सा उन्हें क्या गल फिर बाकी सीधी करनी चाहिए अभी भी तो दो साल पहले ही बने हैं बस अभी कोई दो साल नहीं फर्क है फट तड़ के बने इन्हों की पता असली सैयदा की अजमत का बोलते नहीं अज भी खुदा की कसम है बोलो सर मैं गल बड़ी बड़ी कर लगा अज भी कोई असली और नसली सैयद होने वेखे सीने ठंड पी
आज भी कोई नस्ली और असली सैयद होए वेखिया सुकून मिलता है। और आओ हजरत मैं जेड़ा पैगाम देना चाहना हजरत इमाम ज़ैनुल्लाह मेरी रहमतुल्लाह कैसा इन्हों का जनाब जिंदगी का मियार और कैसी इन्हों की अल्लाह ने शान वधाई। एक बंदा मेरे इमाम के बारे बड़िया गल्लां करता सी बड़ी बकवासात करता सी मेरे इमाम नू बड़ा बुरा जरा बुरा भला कहिंदा ते मेरे इमाम नू लोग आके दस देने ते मेरे इमाम नू उस बंदे की गल का जवाब भी नहीं ना देना। और मेरे इमाम ने उस बंदे की गल का जवाब दिता जेड़ा मेरे इमाम के खिलाफ बोलता था जवाब दिता नहीं दिता। क्यों नहीं दिता? क्योंकि मेरा इमाम कुरान पढ़ने वाला सी ते कुरान की ऐलान कर रहे हैं अल्लाह फरमांदे ने इबादुर रहमान लदीना यमशून अलल अर्दी हौना वाइदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। फालतू ते फजूल बंदियां दा जवाब नहीं देंदे। हजरत इमाम ज़ैनुल्लाबिदीन देखदे ने होया कि जिहड़ा बंदा मेरे इमाम दे बारे गल्लां करदा सी इधरों ओह आ रिहा इधरों मेरे इमाम आ रहे ने रस्ते अंदर आमना सामना हो गया टकराव हो गया। हुण ओह जिहड़ा बंदा बड़ा परेशान हो गया डर गया कह लगा मैं ते सारी जिंदगी हजरत इमाम ज़ैनुल्लाबिदीन दे बारे गल्लां करदा रिहा वा अज मेरी खैर नहीं अज मेरी खूब पिटाई होएगी हजरत जेड़े मुरीद ने मैनू कुटन गए लेकिन जो मेरे इमाम ने वेख्या बंदा डर गया है हजरत इमाम ज़ैनुल्लाबिदीन ने जरा सीरत चेक करया है हजरत इमाम ज़ैनुल्लाबिदीन फरमान गए भाई डरना डरना खौफ ना कर आ मेरे ते कोल मेरी गल ते सुन इधर ते आन जरा हजरत इमाम ज़ैनुल्लाबिदीन ने अपने कोल बुलाया कह लगे मैनू पता है तू मेरे बारे बड़िया गल्लां कीतियां ने तू मैनू पता है तू सारी जिंदगी मेरे खिलाफ बोलता रहा है लेकिन उन सारिया गलों दिया तीन गल मैं तेरे सामने रखना वा ओ डिगरा वाली दे रहन वाले हो पसरूर दे जनाब इंडो गिल पाने वाले हो अल्लाह जानदा सारी कॉन्फ्रेंस का नचोड़ जे तीन गल हजरत इमाम ज़ैनुल्लाबिदीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं तू मेरे बारे सारी जिंदगी गल करता रहा वे उन्होंने सारिया गलों दिया तीन गल मैं तेरे सामने रखना किनिया तीन गल्ला तेरे सामने रखना वा पहली गल ए वे देखिया जे मेरे इमाम दी सोच हजरत इमाम ज़ैनुल्लाबिदीन फरमान गए भाई मैं ते तेरी सोच नालों भी ज्यादा गुनाहगार हाँ मैं ते तेरी सोच नालों भी ज्यादा गुनाहगार हाँ लोगो कह कौन रहा वे जिन्हों लक मिलिया ज़ैनुल्लाबिदीन दा कह कौन रहा वे जिहड़ा हजरत हुसैन दा बेटा है हजरत अली मुर्तज़ा दा पोता है हजरत इमाम ज़ैनुल्लाबिदीन है जिन्हों की सारी जिंदगी इबादत अंदर गुजर गई है कह लगे वीरिया मैं ते तेरी सोच नालों भी ज्यादा गुनाहगार हाँ जे अल्लाह मैनू माफ कर दे ते ओदी मेहरबानी ओदा कमाल है ओदा मेरे ते फजल होएगा जे रब मैनू माफ कर दे अल्लाह जान दे अज तू मैं चंद नेकियां कर लिया चार दिन नमाज़ पढ़ ली है या जनाब चार रोजे रख लिये असीं अपनियां नेकियां ते मान करी फिरने लोगों नूं जनाब जहन्नम दे सर्टिफिकेट बनते फिरने वीरिया ना ना अपनिया नमाजा ते मान ना करया कर अपनिया इबादतां ते मान ना करया कर ओ याद रख जन्नत जाना है ते रब दी रहमत दे नाल ही जाना है हर टाइम ही आखिया कर अल्लाह मैं ते बड़ा गुनाहगार हाँ अल्लाह मैं ते बड़ा खताकार हाँ अल्लाह मेरी ना मैं माल अंदर मेरा ते जनाब गुनाह कर करके अल्लाह ना मैं अमाल काला हो चुकया है अल्लाह मैं तेरे कोलों माफी दा तलब कर रब कोलों माफी मंगदा रहा कर कदी अपने इबादतां ते मान ना करिए वेख हजरत इमाम ज़ैनुल्लाबिदीन ने पहली गल की है मैं ते बड़ा गुनाहगार अल्लाह मैनू माफ कर दे ते ओदी मेहरबानी है दूसरी गल ए वे जेड़ियां तू मेरे बारे गल्लां कीतियां जेड़े तू मेरे ते इल्जामात लाए ने अगर ओ सही ने मेरे अंदर ओ हामियां मौजूद ने फिर भी अल्लाह कोलों दुआ करना अल्लाह मैनू माफ कर दे। तीसरी गल ए वे जेड़ियां तो मेरे बारे गल्लां कीतियां ने मेरे खिलाफ गल्लां करदे ने मेरे बारे इल्जाम लाए ने अगर मेरे अंदर मौजूद नहीं हालांकि मौजूद भी नहीं सन यकीनन मौजूद नहीं इदे एवें जनाब गल्लां करदा रहा ना हजरत इमाम ज़ैनुल्लाबिदीन फरमांदे हुण मैं डरना वा किते उन्हां गल्लां दी वजह तों तेरे ते अल्लाह दा अज़ाब ना आ जाए मैं रब दे
को दुआ करना मा अल्लाह तेनों भी माफ कर दे। आए हाय, और मेरे इमाम ने बदला लिया, और मेरा इमाम ते होवे बदला लिया। पहली गल की थी अल्लाह मैनू माफ कर दे, दूसरी गल की थी अल्लाह मैनू माफ कर दे, तीसरी गल अल्लाह तेनों माफ कर दे। और बदले लैन वाली ते गल ही नहीं, क्यों? कुरान पढ़िया सी, कुरान अंदर रब ने माफ माफ करन दा हुक्म दिता, बदले लैन दा। और अगली गल सुनो, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस सवारी ते सवार होके मदीने तो मक्के जांदे ते मक्के तो वापस मदीने आउंदे, नाल दे दोस्त बयान करदे ने मक्के जांदियां वापस पूरे सफर अंदर इमाम ने अपनी छरी दे नाल कदी उस ऊंटनी नूं भी नहीं मारिया। और जेड़ा इमाम छरी दे नाल किसे जानवर नूं ना मारे वह लोगों नूं मार आपस च कुट्टा पिटी का हुक्म किवें दे सकदा? वह आपस अंदर जनाब किवें जंजीर सनी और मातम करन दा हुक्म दे सकदा? जेड़ा जानवर ते जुलम बर्दाश्त नहीं करता वह लोगों इंसानों किवें कह सकदे अपने उत्ते जुलम कर? और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन 57 साल की उम्र अंदर फोत होए, किन्ने? इन्हां दा असल नाम की है भला? बोल गए हो, अली बिन हुसैन। सुनो आखिरी गल, गल इत मुका दीए बाजवा साहब, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गल हो रही है। जो फोत होए अल्लाह अकबर, तो इन्हों जहर दिता गया सी, हजरत इमाम हसन को भी जहर दिता गया, इन्हों भी जहर दिता गया। तो जो दुनिया को चले गए शहीद होए, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो गुसल दिता गया तो वेखिया कि इन्हों की कमर के पिछे कंड पिछे कुछ निशान ने। बंदे बड़े परेशान हो गए, की गल तहकीक की, पता की चलिया? सुने सारी तकरीर का निचोड़, पता यह लगा कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात के अंधेरे अंदर अपनी कमर से समान और राशन चुक के मदीने अंदर गरीबा यतीमां दे घर छड़ के आते। जे मेरा इमाम भाईजान कुछ नेकियां इंज दियां भी करो कि जेड़ा तुहाड़े बस जान तो बाद ही पता लोगों नूं लगे, या तुहानूं पता हो, या तुहाड़े रब नूं पता हो। अभी जो किसी की मदद करते हैं ना, जिनी देर तक किसी दस ना लीए साढ़े ढिड पीर होंगी रही, जिनी देर तक जनाब तस्वीर ना लुभा लिए बड़ा साहब कर रहे, उन्नी देर तक आने अज अगे होंगे सी नेकी कर दरिया में डाल, हूँ नेकी कर फेसबुक पर डाल। सुनो जे किसी की मदद करते हो अगर लोगों को दस गए, अपनी नेकी बर्बाद की, गरीब की इज्जत खराब की फायदा होया? हूँ लोग खुदा की कसम मैं वेख्या जेड़े सफेद पोश ने बावजूद मुस्तहिक होंगे घर अंदर फाके होंगे, डरते हैं किसी को नहीं मंगते, ये को मंग लिया इन्हें अगर पिंड दस देना मेरी तो बिस्ती हो जाने की असा भाईजान छड़िया। हक साडा बंदा सी, खुद सोचिए वेखिए साढ़े महल अंदर, खुद अपने नजर दौड़ाइए, सानू वे साडा घर चलना चाहिए, बाकी भावें सारा पूरा पिंड ही डुब जाए, साडा बचना चाहिए। एहसास अपने अंदर पैदा करो, इंसानियत अपने अंदर पैदा करो, और इंसान ही होवे जिहदे दिल च एहसास है। ते मेरे इमाम की सारी जिंदगी ये जिहड़ा वे जनाब एहसास नाल भरी हुई, और पा के मेरे इमाम की सारी जिंदगी सोहनी गुजरी है। अल्लाह को दुआ है, अल्लाह करीब सानू